शौक बड़ी चीज है, इसमें लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। कनाडा के रहने वाले 30 साल के जोशुआ बर्न्स को ही ले लीजिए। जोशुआ बर्न्स ने अपने पालतू सांप की तरह नजर आने के लिए अपनी सर्जरी करवा ली। रियल लाइफ ड्रैगन बनने के लिए उन्होंने अपनी स्किन से लेकर जीभ तक सब बदल दिए। जोशुआ ने अपनी त्वचा पर रंगीले ब्लॉक्स बनवाए हैं। उन्होंने अपनी जीभ को पर्पल कलर का करवा दिया है और अपने कान कटवा कर नुकीले करवा लिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने माथे पर सिलिकॉन के सिंग भी वा लिए हैं। इस स्नैकमैन को देखकर सब डर जाते हैं। उन्होंने लगातार 51 घंटे में अपनी पीठ पर टैटू बनवाया जिसमें वे सांप के जैसे नजर आ सकें। सांप जैसा दिखने की चाहत में जोशुआ अब तक तकरीबन 14 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। उनकी गर्लफ्रेंड ट्रिस्टन को जोशुआ के नए लुक में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसने अपने कान कटवाए, उसने अपने कान को पॉइंटेड करवाए के बाद उसने अपनी जीभ को पर्पल रंग से रंगवाया। इन सबसे भी जोशुआ का मन नहीं भरा तो उसने अपने माथे पर सिलिकॉन के सींग उखा लिए। उसे अपना लुक काफी बोरिंग लगता था, इस वजह से उसने अपनी सर्जरी शुरू करी। हाल ही में उसने 51 घंटे तक लगातार अपनी पीठ पर टैटू बनवाया। ये उसकी अब तक की सबसे महंगी मॉडिफिकेशन रही। जोशुआ ने अपने कान भी कटवाकर सिलवाए हैं। सबसे शॉकिंग बदलाव जो जोशुआ के मुताबिक सबसे ज्यादा तकलीफदायक थी वो उनकी स्किन को सांप की केंचुली में बदलना था। इसे बनवाने के बाद उसकी स्किन पर लंबे समय के लिए घाव रह गए थे। इस मॉडिफिकेशन की शुरुआत उसने 2017 से की थी। उस समय उसने अपनी स्किन में ब्लॉक्स बनवाए थे जिसे समय के साथ उसने कलर भी करवाए। जोशुआ का कहना है कि इसमें नॉर्मल टैटू से 3 गुना ज्यादा दर्द हुआ। जोशुआ हमेशा से ही जानवरों से, खासकर सांप और बिच्छुओं से प्रभावित रहा। कारण ही उसने 4 सांप पाल रखे हैं। इन्हीं सांपों की तरह दिखने के लिए उसने अपनी स्किन को सांप की केंचुली में बदल दिया।